तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फोन कोई चोरी न कर पाए और आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं, तो गाइज आपको ये सेटिंग अपने फोन में, अपने फैमिली के फोन में, अपने जीएफ या वीएफ के फोन में, जी हाँ गाइज अगर आप जीएफ अफोर्ड कर रहे हैं इस महंगाई में भी, तो आपको अपने जीएफ के फोन में इस वाले सेटिंग को जरूर ऑन कर देना है। तो गाइज क्या सेटिंग है ये जान लेते हैं। आपको सबसे पहले अपने फोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे नीचे आना है, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गूगल का, तो गाइज आपको यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है, आपको वेट करना है। फिर गाइज यहाँ पे रिकमेंडेड और ऑल सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फाइंड माई डिवाइस का, तो गाइज यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक कर देना है। अब गाइज जी वाला यूज फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन जो है, अगर आपके फोन में ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद गाइज यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, एक नया ऑप्शन आएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे लिखा होगा फाइंड योर ऑफलाइन डिवाइस, तो गाइज आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ऑफ होगा, तो गाइज आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको इसको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा विदाउट नेटवर्क का। गाइज यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ऑफ होगा, तो आपको यहाँ पे विदाउट नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको विदाउट नेटवर्क पे क्लिक कर देना है और इसे इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने के बाद गाइज क्या होगा कि जब आपका फोन चोरी हो जाएगा या फिर कहीं गिर जाता है, कोई पा जाता है, या फिर कोई चोर आपका फोन चुराता है और आपके फोन को स्विच ऑफ कर देता है और उसमें से सिम कार्ड भी निकाल देता है, तो गाइज तब भी आप इस सिचुएशन में जब आपका फोन स्विच ऑफ रहेगा, उसमें आपका सिम नहीं रहेगा, तब भी आप उसको ट्रैक कर पाओगे। आपका फोन बंद भी रहेगा, कहीं भी रखा रहेगा, आप अपने ईमेल आईडी के जरिए उस फोन को ट्रैक कर पाओगे कि आपका फोन कहाँ है। तो गाइज कमाल का ट्रिक है, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो गरीब कपल्स को, क्योंकि उनका फोन बहुत चोरी होता है।